अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं खाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर। नमस्ते मेरे भाई। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, हैदराबाद में देखिए कल दो मर्डर हुए। एक बालापुर में लिमिट में मर्डर हुआ, जो बच्चा बाबा नगर में रहता, और एक आसिफ नगर जिले का बच्चा है, आसिफ नगर लिमिट में मर्डर हुआ। आप देख सकते हैं मेरे भाई, एक आदमी की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि पूछो मत। कोई ना MLA के ऊपर कोई बोल रहा मर्डरों के खिलाफ, ना कोई कॉरपोरेटर बोल रहा, कोई नामकारी आदमी बोल रहा। सिर्फ कहां पर भी मर्डर होंगे दो बातें करेंगे, लोग चलेंगे। ये नहीं बोलेंगे हम किसको भी मर्डर करेंगे, कोई भी चाहे कोई भी मजहब का रहो, वो एरिया में से उसको बायकॉट कर देना, उसको अंडर ट्रायल चलना केस, उसको बेल ही नहीं मिलना। तो लोगों को मालूम हो चुका है मेरे भाई कि बेल करे बाद कितना पैसा खर्चा होता, कितने दिन में बेल मिलती, कैसा कंप्लेंटर को मैनेज करना पड़ता, कैसा नहीं करना पड़ता, कैसे नामकारी आदमी को रखना पड़ता सेटलमेंट के लिए, किसको नहीं रखना पड़ता, सबको मालूम हो चुका है। तो मैं कमिश्नर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस से कहना चाह रहा हूँ, मेरे साहब आप कानून को बहुत सख्त से सख्त एक्शन लियो लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर PD8 लगा दीजिए आप। मैं अदाबंद गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से, और रेवंत रेड्डी अन्ना आप भी इसके ऊपर देखिए कि हैदराबाद में हो क्या रहा है। सिर्फ मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर आप देख सकते। तो रेवंत रेड्डी अन्ना TRS की हुकूमत तो कुछ नहीं करी, अब रेवंत रेड्डी अन्ना पब्लिक आपको चुन के लाए, आपका फर्ज बनता कि लोगों के ऊपर आप देखना, मर्डरों के ऊपर चाहे कुछ भी मसला रहो, तो रेवंत रेड्डी अन्ना पुलिस को आप स्टिक कर दीजिए और कानूनी कार्रवाई करके लोगों के ऊपर अंडर ट्रायल चलाइए, PD8 लगा दो लोगों को जो भी मर्डर करा। अगर इन लोगों को PD8 लगा देंगे हर किसी को मर्डर केस में, तो कोई मर्डर नहीं करेगा। अब लोगों को मालूम हो चुका है भाई, हम 1.5 महीना जाएंगे जेल में छूट जाएंगे, 2 महीने जाएंगे, 3 महीने जाएंगे, हम पैसा खर्चा करेंगे, फिर रुआब से फिरेंगे। कोई मर्डर अगर हम किसी का मर्डर कर दिए तो हमारे नाम पे कोई नहीं आता, कोई नाम पे नहीं आता बाबा। अगर जज्बात अगर सामने वाले का नहीं हिम्मत रही तो आपका भी खतल हो सकता। आप न को समझो मैं खतल करके मैं हीरो बन के फिरूंगा, गलत बात है। अल्लाह ताला हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर दिया, अगर किस्मत में तुम्हारी मौत लिखी है तो मौत लिखी है, मगर छोटे छोटे बातों पे मर्डर कर दे रहे बहुत गलत है मेरे भाई। इसके ऊपर कॉरपोरेटर MLA और हुकूमत सख्त से सख्त एक्शन लेना इन लोगों के ऊपर। आप PD8 लगाइए इन लोगों के ऊपर। आप 9 महीने अम्मा पेट में रखती बच्चे को, छोटे से बड़ा करती, क्या किसी को मारने का से पैदा करती कि अम्मा मार दो मेरे बच्चे को ऐसा बोल के? वह शर्म है मेरे बात, तुम भी वही माँ को पैदा हुए, उन्हें भी वो माँ को पैदा हुआ। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे कमिश्नर साहब से, सख्त से सख्त एक्शन लियो। और रेवंत रेड्डी अन्ना कमिश्नर साहब से आप मीटिंग करके मर्डर वालों के ऊपर स्ट्रिक्ट लियो बोलो। अब पुलिस इतना अच्छा काम कर रही, मगर रेवंत रेड्डी अन्ना आपका भी फर्ज बनता कि इन लोगों के ऊपर PD8 लगाओ। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ अगर ये लागू हो जाएगा, इसके ऊपर भी अगर मर्डर करने वाले के ऊपर PD8 लगा देंगे तो मर्डर रुकेंगे, नहीं तो जब तक मर्डर नहीं रुकेंगे, क्योंकि खिलौनों का दरवाजा बन चुका है लोगों का, कोर्ट को जा रहे, पेशी अटेंड कर रहे, सालों से चल रहा, ऐसा नहीं मेरे भाई। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, आप लोगों की अगर कुछ भी अगर दुश्मनी रही किसी भी रही, खुलूस मोहब्बत बैठ के खत्म कर लो। मर्डर करने से कोई हासिल ना होने वाला है मेरे भैया, रहो किसी की हाई बदवा कभी खाली नहीं जाएंगी। आप किसी का मर्डर करेंगे तो उन्हें भी आपको उसके चाहने वाला कोई भी मर्डर करेंगे या खानदान में पैदा होंगा, आप ये ना को समझो, अरे इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, चाहे हिंदू रहें दो, मुसलमान रहें दो, कोई भी मजहब के रहें दो, आपस में बैठ के खत्म कर लो, ऐसा मर्डर मत करो मेरे भाई। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब, इसके ऊपर एक्शन लियो। हैदराबाद की नंबर 1 पुलिस है, और रेवंत रेड्डी अन्ना आप हुकूमत चला रहे, आपका फर्ज बनता है लोगों को देखना। आप थोड़े देर के ऐसे तो भी देखिए, मगर देखिए आप कैसा मसला चल रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं खाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर।